जागरूक भारत 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजस्थान के स्टूडेंट ने घर में पड़े बेकार सामान से एटीएम मशीन बनाकर सभी को हैरान कर दिया। 10वीं के छात्र का ये एटीएम ओरिजिनल मशीन की तरह ही काम करता है। नोटों से लेकर सिक्के निकलने का इसमें ऑप्शन है। यह मिनिएचर एटीएम जिला और स्टेट लेवल पर शोकेस हुआ है और इसे नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। दरअसल बाड़मेर के सीव के रहने वाले भरत जोगल को बचपन से ही मशीनें बनाने का शौक है। कच्चे घर में बेहद साधारण किसान का यह जन्मे भरत ने इससे पहले भी स्कूल प्रोजेक्ट में कई तरह की मशीनें बनाई हैं। भरत ने यह मशीन केंद्र सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बनाई है। केंद्र सरकार की स्कीम में वर्ष 2020 में गवर्नमेंट हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 5 बच्चों का चयन किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण यह कंपटीशन रुक गया। इस साल प्रोसेस वापस स्टार्ट होने के बाद भरत की बनाई मशीन का सिलेक्शन पहले स्टेट और अब नेशनल लेवल के लिए हुआ है। भरत ने बताया कि बचपन से मशीनों का उसे शौक रहा है। जब गांव में कुछ नया होता है तो मैं उसको देखता हूं। घर पर बेकार पड़े सामान से बनाने की कोशिश करता था। 2020 में एटीएम मशीन प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी, उस समय 8वीं क्लास में पढ़ता था। अब स्कीम के तहत मेरा चयन नेशनल लेवल पर हुआ है। भरत जोगल के पिता दाऊ राम किसान और माता नेमी देवी गृहिणी है। स्टूडेंट के दो भाई खैराज उम्र 22 साल, मूलाराम उम्र 19 साल, बहन दमयंती उम्र 16 साल है। दोनों भाई मजदूरी करते हैं, वही बहन 12वीं की क्लास में पढ़ती है। पूरा परिवार आज भी झोपड़ी नुमा घर में रहता है। स्टूडेंट भारत का कहना है कि कागज़ वायर छोटी मोटर रबड़ ढक्कन आदि बेकार पड़े सामान को लेकर एटीएम मशीन को बनाई है। इसको बनाने में 10 दिन लगे। इसको बनाने में स्कूल के सभी टीचर साइंस मैडम का सहयोग रहा, वहीं भाई ने भी मदद की। ऑटोमेटिक मशीन लाइट से चलती है। भरत के पिता खेती बाड़ी का काम करते हैं। भरत के 3 बहनें व 1 भाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरूक भारत 24 न्यूज़, राजस्थान।